ये हूँ मैं एंड मेरी बहन वीजा बोर्ड को खेलते हुए ऑन अ लाइव स्ट्रीम, एंड लाइव स्ट्रीम के बीच में ये होता है। डूड, आई ओनली वांट टू लीव 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 मेरे को बहुत गंदा फील हुआ। रचित लीव। वीजा बोर्ड एक स्पिरिट बोर्ड होता है जिसकी मदद से हम लोग स्पिरिट से कांटेक्ट कर सकते हैं। एंड तुमने इंटरनेट पे बहुत सारी वीडियोस देखी होंगी इसके ऊपर, जहाँ पे लोग इसको ट्राई करते हैं एंड स्पिरिट से कांटेक्ट करने की कोशिश करते हैं, एंड कुछ कुछ लोग दावा भी करते हैं कि उन्होंने स्पिरिट से कांटेक्ट कर लिया। सो इसी से मेरे मन में एक छोटा सा आइडिया आया, क्यों ना हम इस चैलेंज को एक्चुअली एक लाइव स्ट्रीम में करें एंड फाइंड आउट करते हैं कि एक्चुअली में रियल होता है कि नहीं, क्योंकि वीडियोस एडिट हो सकती हैं, लाइव स्ट्रीम नहीं। सो मेरे पास एक स्ट्रीम का आइडिया तो है, बट द मेन क्वेश्चन इज कि ये वीजा बोर्ड में कहां से लाऊं। सिर्फ तुम लोगों को नहीं पता है कि कुछ टाइम पहले मेरे पास एक मिस्ट्री बॉक्स आया था, एंड उस मिस्ट्री बॉक्स में एक वीजा बोर्ड भी निकला था। वीजा बोर्ड मिलने के बाद हमारा नेक्स्ट स्टेप है इस स्ट्रीम को स्केड्यूल लगाना और इंस्टा स्टोरी डालकर लोगों को बताना कि मैं आज के दिन ये स्ट्रीम करने वाला हूं। सो मैंने जस्ट अभी ये वीजा बोर्ड फाइंड कर लिया, ये रहा वो वाला बोर्ड। सही बताऊं तो ये बहुत कंफ्यूजिंग है, मेरे को समझ में नहीं आ रहा है कि आखिर इसको हमें खेलना कैसे है। मुझे ये तो पता है कि इस चीज को इधर उधर घुमाना है, बट इसका काम मेरे को अभी तक समझ में नहीं आ रहा है। सो राइट नाउ मेरा सबसे पहला स्टेप है कि मैं इस स्ट्रीम को स्केड्यूल करूं एंड अपने इंस्टाग्राम पे अनाउंस करूं, एंड देन लेट्स सी कि आखिर लोगों का क्या रिएक्शन होता है। आई एम प्रीटी श्योर लोग मेरे को पागल बोलने वाले हैं आफ्टर दिस। 2 hours later ओके बॉयज, तो मैंने थोड़ी देर पहले स्ट्रीम को अभी स्केड्यूल पे लगाया है एंड मैंने अभी एक इंस्टाग्राम स्टोरी भी डाली है, तो बहुत सारे लोग इस स्टोरी पे रिएक्ट कर रहे हैं। मेरे को जस्ट अभी जेएक्स का एक मैसेज आया था इंस्टाग्राम पे, एंड देन मेरे को अविनव का भी मैसेज आया है। आई मीन आई गेस लोग एक्साइटेड तो हो रहे हैं इस स्ट्रीम के लिए। अभी द मेन क्वेश्चन इज दैट कि ये स्ट्रीम कैसा होता है। तो ये सब होने के बाद नाउ इट्स फाइनली टाइम फॉर द स्ट्रीम, एंड वी आर लाइव। आई गेस वी आर लाइव। यू आर लाइव। Yes, we are live, Manu. देख रहे हो ऊजी बोर्ड रखा हुआ है। So, सबसे पहला क्वेश्चन, आखिर इसको ऊजा बोर्ड बोलती है या ऊजी बोर्ड बोलते हैं? मैं और मनुना उतनी देर से फाइट कर रही हैं कि इज दिस इज ऊजा बोर्ड या ऊजी बोर्ड। दिस इज ऊजा बोर्ड, पर सारे लोग ऊजी बोर्ड बोलते हैं। क्योंकि देख मैंने ना इंटरनेट पे इसकी स्पेलिंग सर्च करी एंड वहां पे लिखा था ऊजा, OUIJA, तो इसको ऊजा बोर्ड बोलेंगे ना। तो मेरे मुंह से ओजा निकल सकता है, इसके मुंह से उजी निकल सकता है, तो प्लीज कमेंट्स में लड़ना मत किसको ओजा बोलते हैं या उजी बोलते हैं। तो हेलो एवरीवन, माय नेम इज रचित एंड दिस इज मनु, एंड आज के दिन हमारे पास ये एक उजी बोर्ड है, एंड आज के दिन हम इसको ट्राई करेंगे ऑन स्ट्रीम, और हम दोनों को नहीं पता ये क्या होता है। आई थिंक उजी बोर्ड नकली होते हैं, असली नहीं होते हैं, ठीक है? नहीं यार, अगर तो इसकी स्टोरी देखेगा तब तेको बिलीव होगा कि ये सच में है रियल। रचित लुकिंग हैंडसम। नहीं, वो लाइट में दिख भी नहीं रहा है, ठीक है? I mean, thank you so much, man. Like, मेरा चश्मा कहाँ है? मेरा हैंडसम वाला चश्मा कहाँ है? वेट, मेरा हैंडसम चश्मा कहाँ है? बस, बस. What's up? What's up, beautiful girl? You wanna go to Bali with me? Bro, तू मेरा ass क्यों slap कर रही है? कुतिया। So, इसकी स्टोरी सबसे पहली चीज ये है कि हमारे बाइबल में ये लिखा था कि हमें कभी भी डेड लोगों से एडवाइस नहीं लेनी चाहिए, ठीक है? सो जब ये वर्ल्ड वॉर 2 हो रहा था, ठीक है, उस टाइम पे काफी तबाही थी ऑब्वियसली, ठीक है? तो लोग ना अपने पूर्वज जो मर गए ना उनसे एडवाइस लेने के लिए जाते थे, ठीक है? ये तो अभी भी हर जगह पे होता ना, ये तो इंडिया में भी होता था। तो उस टाइम पे एक तांत्रिक ने ये बोर्ड बनवाया था, ठीक है? तो वो लोग क्या करते थे, वहां पे जाते थे, ऐसे कैंडल जलाते थे एंड देन उन लोगों से बात करते थे। तो बीच में क्या हो जाता था कि कुछ लोग अपनी फिंगर्स हटा देते थे। इसका रूल है कि तुम फिंगर नहीं हटा सकते हो। एंड वो वहां के जो पूर्वज थे, ठीक है, वो इवल स्पिरिट होती थी, वो उनके रियल पूर्वज नहीं होते थे, जिसकी वजह से डेथ बहुत ज्यादा कॉज होने लगी थी। सो ये स्टोरी के बाद मैं थोड़ा सा डर जाता हूँ, एंड तभी मनु मेरे को बताती है कि रिसेंटली कुछ बच्चे इस गेम को खेलते खेलते इतने ज्यादा डर गए कि उनको हॉस्पिटल ले जाया गया। अभी एक बाहर फॉरेन के यूट्यूबर्स कुछ बच्चे थे, ठीक है, वो खेल रहे थे। पहले उन्होंने यूट्यूब वीडियो बनाई, मजाक मजाक में बनाई, ठीक है, उसके बाद उन्होंने घर पे जाके सीरियस में ऐसा खेलना शुरू कर दिया। बिटवीन दैट वो जो घोस्ट था वो बहुत ज्यादा ओवर कंट्रोल चला गया और एक बच्चे के ऊपर आ गया।
और उसकी डेथ हो गई है। उसकी डेथ हो गई, उसके अगले दिन वो बच्चा बिल्कुल पागल हो गया था, वीडियो तक है इंटरनेट पे उसकी। मुझे लगा था कि ये नकली होता है, मुझे एक्चुअली में लगता है ये सब नकली होता है, ठीक है। दैट्स द रीजन मैं सोचा कि इसको स्ट्रीम पे करते हैं, बट तू जिस वे में बता रही है ना, मानो डू यू नो हम घर में अकेले रहते हैं, लाइक डू यू नो तुझे पता भी है भाई, इसने मेरे को कुछ नहीं बताया था, इसने मेरे को सस्पेंस में रखा है, मुझे पता भी नहीं था, अब मेरे को डर लग रहा है। बट इज इट ट्रू, लोग के मरने वाली बात, इज इट ट्रू? यस इट इज ट्रू, वो बच्चे का पूरा वीडियो तक है। आर यू फॉर रियल? यही करते थे वो लोग। रुको, हाउ आर दिस 28 गर्ल्स हॉस्पिटलाइज्ड आफ्टर प्लेइंग विद वीजी बोर्ड्स एट देयर स्कूल इन कोलंबिया। यू रिमेंबर इट? वीजी बोर्ड्स हैड साइंस ऑफ एन एंग्जायटी अटैक। The school is apparently waiting for a diagnosis before providing further information here. But bhai, 28 ladkiyon ko anxiety attack kaise aa gaya? Kids always have a good breakfast and the fainting was not due to a lack of food. This isn't the first time this has happened in a Colombian school. Back in November, bro, ye 4 hafte purani baat cheez hai. After using a Ouija board at another school. Happened in November at another school. Aur ye November mein dusre school mein bhi hua tha. Food poisoning there. I don't know. What the फ्रिक, लेट्स जस्ट स्किप दिस। अमेरिको करने का वीडियो हो रहा भाई, मेरे को लग रहा है तू मजाक कर रही है। वेट वेट, नहीं यार मजाक नहीं कर रही हूं, सच में ऐसा हुआ है। ब्रो दिस इज स्कैरी। और इसमें रूल सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, ठीक है। तुमने रूल तोड़े तो हो जाएगा ब्रो, ये सच होता है। रूल्स ढंग से फॉलो करियो, रूल्स ढंग से ही फॉलो करने पड़ेंगे यार। सो अभी स्ट्रीम चालू हो चुकी है एंड मेरे को उसको जानकारी भी मिल चुकी है। नाउ इट्स टाइम फॉर द रूल्स। आखिर इस वीजा बोर्ड के रूल्स क्या है? व्हाट आर द रूल्स? रूल्स क्या है? वेट वेट वेट, मैं रूल्स इंटरनेट पे निकाल रहा हूँ साइड में, ठीक है। व्हाट आर द रूल्स? रूल्स, ओके, नेवर प्ले अलोन, ओके, हम दोनों खोल रहे हैं। नेवर लेट द स्पिरिट्स काउंट डाउन थ्रू द नंबर्स और गो थ्रू द अल्फाबेट एज दे कैन गेट आउट ऑफ द बोर्ड दिस वे, व्हिच मींस इसका मतलब कि उनको कुछ भी हो जाए ये नंबर्स पे नहीं आने देना, ठीक है, एंड ना ही ये अल्फाबेट्स पे, क्योंकि अगर एक बार अल्फाबेट्स खत्म हुई तो वो निकल जाएंगे, समझा? अगर मतलब जेड से ज्यादा इधर हो गया ना, या इधर हो गया तो दिल आउट। ओके, यस। If the planchette goes to the four corners of the board, it means that you have contacted an evil spirit. Shit, मतलब ये these four corners. Yes. Okay. If the planchette repeatedly makes a figure eight, it means that an evil spirit is in control of the board. Shit! मुझे डर लगता है। मुझे डर लगता है। Okay. जुड़ांगा ले लीजिए। नहीं, ये हम करेंगे ही नहीं। इसमें ये है कि अगर तुम्हें इवल स्प्रिट चाहिए है तो ऊर्जा बोर्ड को अपसाइड डाउन कर दो, मतलब उल्टा करके फिर करो, तो हम ये बिल्कुल। The board must be closed properly or evil spirit remain behind to haunt the operator. देख मैंने कहा था ना, जब तक तू goodbye नहीं कहेगा, otherwise जिसने भी वो किया है ना, उसको haunt करेगा। तो पहली उंगली तो तू ही रखेगा इस पे। Never use Ouija board when you are ill or weakened condition. This may take you vulnerable position. What? मतलब अगर तू थोड़ा सा भी बीमार है, ताकत नहीं है शरीर में, ठीक है, तो मत करो क्योंकि इवल स्पिरिट तुम पे पोजीशन कर लेगी। मुझे डूड, मेरी तबीयत खराब है, मेरी तबीयत खराब है भाई, मुझे नहीं करना। एंड आफ्टर दैट नाउ द गेम स्टार्ट्स। ओके, वी आर गोइंग टू स्टार्ट, और हम बिल्कुल पागल हैं, हमें पता है। ओके, भाई ये मेरा, मैं देखो बता रहा हूँ आरती, ये हमारा पीक कंटेंट क्रिएशन हो रहा है अभी। यस। ओ शीश। अब भयंकर लग रहा है ये। ओ शीश। पूरा काला जादू कर रहे हैं हम। ब्रो दिस लुक्स स्कैरी। अभी आरती ये डरावना लग रहा है। हाँ। अभी आई थिंक अभी तुम लोग देख सकते हो, ये देख, जो भी साइड में आ रहा होगा वो, या और हम मजाक नहीं कर रहे हैं, हमें अपने हाथ से पकड़ना होगा ये पूरा। गाइस प्लीज प्रे करना हमारे लिए कि हम आज जिंदा। नहीं, मैं तेरी कसम, अगर इनको कुछ अजीब लगा मैं मम्मी कसम बंद कर दूंगा। मैं ऐसे मत करना, फिर वो जाएगा नहीं। तूने रूल, इसने रूल तोड़ा तो मैं बता रही तुझे। अरे तो मुझे खेलना ही नहीं है, मैं मजे में कर रहा था। 2.3 किलो। अरे मुझे
डरो क्यों, तू क्यों डर रही है? Chances are high of getting touch with an entity you play around 12 or 3 a.m. चुप रहो। हम 3 a.m. रात के 3 बजे मत करो, आइडिया दो मत, ठीक है? ऐसा कुछ वही रात के 3 बजे तो हम नहीं खेल सकते भाई इसको। हाँ। ओके जय हनुमान जी, लेट्स गो, लेट्स स्टार्ट। एक हाथ रखना है ना। हाँ। ओके, हाउ डू वी स्टार्ट? इज देयर एनी स्पिरिट हियर? ओके, इज देयर एनी स्पिरिट हियर? क्या कोई है यहां? इधर कोई थिक स्पिरिट है क्या? Is there any thick? What the frick? ये क्यों हिला था अभी? Oh, I swear to God, भाई इसके साथ कुछ तो हुआ था। हमें ऐसे घुमाते ही रहना है, लेकिन ऐसे ही घूमेगा। ये last time बोलता है, ठीक है? क्या? Is कोई यहाँ पर है? क्या? Bro. What do you mean by रुकी? मैंने रुकी? तूने रुकी? Shit, no, this is bad. मैं बंद करवा जा रहा हूँ, not angry. मैं तो मैं मम्मी के साथ मार दूँगा। मैं मार दूँगा। तूने रोका है। Is there, bro? मनु मजाक मत कर। मेरे को पता है तू नौटंकी मत कर, ठीक है? यहाँ पर जब कुछ नहीं हो रहा तो नौटंकी मत कर। So, गेम को बीच में खेलते खेलते मैं मनु से बोलता हूँ कि मेरे को थोड़ा सा अजीब फील हो रहा है, जो कि मैंने एक्चुअली जस्ट उसको मजाक में बोला था। एंड उसके बाद हम गेम को कंटिन्यू करते हैं एंड वैसे ही मनु कुछ ऐसा बोलती है। Is there anyone here? Oh shit, मेरी हार्ट बीट तेज हो रही है मेरा। देख मुझे डर लग रहा है। तुम बताइए मेरी हार्ट बीट की दिक्कत है आती है ऐसे। रजत Bro, only cares about big booty goes. Rajit, dude, I only want big booty. Leave. मेरे को बहुत गंदा फील हुआ। Rajit, leave. Goodbye. Leave. Fuck. क्या? Rajit, मेरे को बहुत गंदा फील हुआ अभी। क्या? मम्मी कसम। मम्मी की कसम। चुप। मेरे को बहुत। क्या? मेरे को लगा पीछे कोई है। झूठी। मम्मी की कसम। सच्ची? सच में कोई नहीं है पीछे, कोई भी नहीं है पीछे। तुमको कैसा लगा? अरे हम ऐसे बात कर रहे थे, तूने बोला मेरी हार्ट बीट तेज होगी, एंड देन आई फील कि समथिंग कोई पीछे है, एंड अंदर से जो वो एक फीलिंग आती है ना, समथिंग इज बिहाइंड यू, कोई देख रहा है, वो वाली। इसलिए मैंने बोला प्लीज लीव इट, क्योंकि बहुत मैं ये नहीं बोल रही, मेरे रोंगटे खड़े हो गए चेहरे के। दिखा अब इसकी आवाज से मेरे को ही डर लग रहा है। समथिंग इज बिहाइंड यू, मेरे पीछे कोई। व्हाट द फ्रिक? मनु क्या है, क्या कर रही है? सो मनु काफी ज्यादा डरा जाती है एंड उसके चक्कर में हम इस गेम को कर देते हैं बंद, क्योंकि मनु सीरियस थी उस टाइम पे एंड मेरे को नहीं चाहिए था कि वो और ज्यादा डरा जाए। एंड मेरे को लगा था कि ये सारा चीज नकली होती है, दिस बोर्ड इज एवरीथिंग इज लाइक सब नकली है ये, बट मनु काफी डरा जाती है तो हम इस गेम को कर देते हैं बंद। इसके बाद मेरे फ्रेंड्स मेरे को ट्रोल करने के लिए मेरे को कुछ वॉइस नोट्स भी भेजते हैं। रात के ना कुछ ऐसे अराउंड 1 या 2 बजे ना ऐसे कोई भी साउंड आया तेरे को ऐसे किचन वगैरह की तरफ से, तो लाइक रिस्पॉन्ड मत करना ऐसे, उस तरफ देखना मत, मतलब ऐसे आराम से सोना, कुछ नहीं होगा, मतलब रिस्पॉन्ड मत करना। डेस्क मुझे क्यों भेज रहा है ये? बस बताऊंगा नहीं कि मतलब क्या होता है, बस यही बोल रहा हूँ कि रात को कोई साउंड आया ना तो रिस्पॉन्ड मत करना। लाइव स्ट्रीम की चैट मनु को काम करने के लिए अच्छी अच्छी सुपर चैट करती है एंड थोड़ी देर में मनु काम हो जाती है। गेट वेल सून मनु एंड लव फ्रॉम यूके। ये देख पार्जिन ने तेको 2 यूरो भेजे हैं। लो वो यूके तो तेको लव भेज रही है। एंड हम थोड़ी सी जस्ट चैटिंग करते हैं। सो नाउ द क्वेश्चन जो तुम्हारे मन में आ रहा होगा कि क्या ये वीजा बोर्ड रियल होता है, तो आई एक्चुअली डोंट हैव एनी आंसर, बट जो मनु के साथ हुआ था दैट वाज रियल। मनु एक्चुअली में डरा गई थी तो इस वजह से हमें उस गेम को बीच में छोड़ना पड़ा, बट बाद में मैंने और मनु ने एक गेम खेला जिसमें हम एक दूसरे के चाटा मार रहे थे। वेल तुम वो लोग लाइव स्ट्रीम पे जाके देख सकते हो।
Also, अगर तुम लोगों ने ये वीडियो यहाँ तक देख ली है तो मैं एक बहुत ही स्पेशल स्ट्रीम कर रहा हूँ 19 तारीख को विद नॉट योर टाइप SR पे क्रिएटिव लड़का एंड डेस्क शो एंड ये स्ट्रीम बहुत ही ज्यादा स्पेशल है। हम सारे लोगों ने इस स्ट्रीम में मेड कॉस्ट्यूम पहनी है एंड हम इस स्ट्रीम पे खाना बनाने वाले हैं एंड कुछ सरप्राइज गेस्ट भी है इस स्ट्रीम के एंड पर। तो तुम लोग को इस स्ट्रीम का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तुम लोग को जाना है। तुम्हें वहां पे एक नोटिफाई का ऑप्शन मिलेगा, प्लीज उस नोटिफाई के ऑप्शन पे तुम्हें क्लिक करना है एंड एक लाइक का ऑप्शन भी मिलेगा, तुम्हें लाइक भी करना है। मतलब कैन वी गेट 10K लाइक्स प्लीज। बाकी गाइस आई विल सी यू ऑन द 19th। आई एम वेरी एक्साइटेड। इफ वो स्ट्रीम पे अभी 10,000 लाइक्स आते हैं ना तो मैं वीजा बोर्ड का सेकंड स्ट्रीम करूंगा। बाकी बाय बाय। Oh!